संख्या की बगिया। सबसे पहले हम लोग इस संख्या की बगिया के पीछे देखते हैं इकाई। एक अंक की संख्याएं इकाई कहलाती हैं, जैसे 8, 7 आदि। दहाई, इकाई की संख्याएं 0 से 9 तक होती हैं। दहाई, दो अंक की संख्याएं दहाई कहलाती हैं, जैसे 33, 76 आदि। 10 से 99 तक की संख्याएं। सैकड़ा, तीन अंक की संख्याएं सैकड़ा कहलाती हैं, जैसे 105 और 107 आदि। 100 से 999 तक की संख्याएं। अब हम लोग इस बगिया को खोलते हैं। अब ये हमारे पास ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसे देखते हैं। 2 से भाग देने पर जो पूरी पूरी न कटे वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 15, 25, 37 आदि। अब हम लोग इसके पीछे देखते हैं। 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 8, 6, 4, 12, 16 आदि। अब हम लोग इसको इधर रखते हैं और कुछ और देखते हैं। 216 बराबर 200 × 10 × 6 और इसके पीछे है 83 बराबर 80 × 3। अब हमारे पास ये है घटता क्रम। घटते क्रम में हमारे पास है 7, 8 और 9। इसे अवरोही क्रम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, जैसे कि 15, 16 और 17। अनुवर्ती संख्या, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है, जैसे 4, 3 की अनुवर्ती संख्या है। रोमन अंक, हमारे पास इस तरह के रोमन अंक है। 1 को इस तरह से लिखा जाता है 1 पाई लगाकर, 2 को इस तरह से लिखा जाता है 2 पाई लगाकर। अब हम लोग आगे देखते हैं। इकाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इकाइयां हैं। दहाई, 10 से 99 तक की संख्याएं, जैसे 32, 35, 15, 24 और आदि। 68 = 60 + 8, 246 = 200 + 40 + 6। आकृतियां, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त। स्थानीय मान, यहां पर 6 का स्थानीय मान है 600, 7 का मान है 70 और 3 का मान है 3। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक से एक पूरी पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण है 2, 3, 5 आदि। छोटा बड़ा, बड़ी संख्या की तरफ चिन्ह का मुंह खुला रहता है, जैसे कि यहाँ पर 24 छोटा है 33 से और 33 बड़ा है, इसलिए 33 की तरफ चिन्ह का मुंह खुला है। पूर्णांक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि पूर्णांक हैं। प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। स्थानीय मान, यहां पर 2 का स्थानीय मान है 200, 4 का मान है 40 और 3 का मान है 3। और ये है पूर्ववर्ती संख्या।
किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, जैसे पांच की पूर्ववर्ती संख्या चार है।